हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैग माने विद डॉटर्स। और मम्मा आपकी क्या बना रही हैं? आज हम बनाएंगे इमली की चटनी, वो भी मेरी फेवरेट फ्रेंड। लेकिन हम क्यों बना रहे हैं? हम क्यों बना रहे हैं? इमली एक एक खाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, गला खराब हो जाएगा। अच्छा चलो ना, जल्दी से बताओ ना कि हम ना बना क्यों रहे हैं। रमजान आने वाले, चूंकि पकौड़े बनेंगे तो इमली की चटनी तो अच्छी लगी। तो फिर मैं बताती हूँ कैसे खाते हैं इसको, यूं तोड़ते हैं, खाते खाना नहीं है। चले अब हम बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमने क्या करना है, पहले इसकी रेसिपी भी बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है। तो हमें उसके लिए चाहिए इमली, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, और ये क्या है आयशा, शक्कर कहते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्या करना है, इमली को पानी में भिगो के रखना है। देखिए फ्रेंड्स, उधर चटनी बनी हुई हमारी। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक लुक। ये देखिए जनाब, हमने उसको पानी में वो भिगो दिया था और हमने उसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी थी। अब ये देखिए, अब हल्का हल्का ये गाढ़ा हो रहा है, हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। 3 से 4 मिनट बाद जब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा स्टार्ट हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इसकी सारी की सारी चीजें। तो अब हम इसमें क्या चीज ऐड करेंगे, पहले जल्दी से बताओ। दूध बात ना बताएगी, राइट? नाउ वी ऐड शक्कर, तकरीबन आप अपने ना हिसाब से, हम लोग मीठा जरा कम इसमें पसंद करते हैं, तो हमने इसमें डाला तकरीबन आधा कप शक्कर, ठीक है। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसका स्पून चलाएंगे, ओके फाइन। ठीक है जनाब, जल्दी 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 बन जा। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि मेरे साथ आयशा खड़ी हुई है और मेरे सर पे खड़ी हुई है, इन्होंने मेरे साथ लाल मिर्च पीसी। बेटे देखी में डालना, ऐसा ना हो कि सारा बाहर गिरे। डाल दिया के चक्कर में, थैंक यू। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब हम आपसे मिलते हैं इसके पकने के बाद ऑलमोस्ट जब ये पक जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना सोया सॉस था, और क्या था, विनेगर एंड सोया सॉस। यस, झगड़े तो होते रहेंगे। हेलो, वेलकम बैक। ये देखें, ये इसकी थिकनेस जो है वो हो गई ऑलमोस्ट। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर तकरीबन 1 से 1.5 स्पून, जो कि आयशा ऐड कर रही है, लेकिन बस टेढ़ा मेढ़ा ही जा रहा है वो। इसमें है ही थोड़ा सा, उसमें है ही थोड़ा सा, रिलैक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, जो कि ऐड करेंगी नूर फातिमा। आइए नूर फातिमा। नहीं, अब इसमें और ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 स्पून। अच्छा, सिरका हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये फिर ना ख़राब नहीं होती। और इसकी एक और ट्रिक भी है कि जब आप इसको नाइफ में डालो, इसमें जिस भी जार में आप डालें तो उसमें आपने गीला स्पून नहीं डालना है, ठीक है। तो आपकी जो है ये फिर महीना भी चल सकती है आराम से, इस चीज़ का आपने एहतियात करना है। बहुत ज़्यादा मतलब खट्टी होती है, तो ऐसी साबुत ना खाएं, उसको दही के अंदर डाल के खाएं या फिर खा ले जैसे भी, लेकिन साबुत ना खाए, क्योंकि बहुत ज्यादा साबुत ना खाए। खाली ना खाए। दही के अंदर खाते हैं, लेकिन अक्सर लोग तो खाली भी खाते हैं, मजे की लगती है पकौड़ों के साथ, लेकिन हम लोग ना दही के अंदर ये डाल के जो है वो मिक्स करके जो खाते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी। हाँ जी, आयशा को बहुत पसंद है, डेट्स ट्रू। दही के अंदर डाल के बहुत, इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, और हम इसको डालेंगे जार में। अब हम आपको मिलते हैं, आपसे मिलते हैं इसकी फाइनल लुक पर। सो हमारा ये बन गया, हमारे पास एक खाली चंकी जैम की बोतल थी। हमने इसके अंदर फिल कर दिया है ये। अब जो बाकी जो रह गया, अब हम दूसरी बोतल में फिल कर देंगे। ये अभी थोड़ा सा है, हमें थोड़ा सा फिल कर देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने क्या करना है, करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा, एक और बात, और अगली हमारी वीडियो आ रही है जिसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे माश की दाल के बड़े, है ना, मजेदार। वो तो आयशा तो ऐसे खाती है कि जैसे कोई मजाक है। हमारी रमजान में कम वीडियो, 5-6 ऐसी खा जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी रमजान में कम वीडियोस आएंगे, जो कि ना कोशिश करेंगे ज्यादा डालें, जो भी हम बनाए कम आएंगे, जो कि रोजों की वजह से हम पता है रोजे रखते हैं तो इतने थकावट हो जाती है। तो हम मगरिब के बाद जरूर वीडियो डालें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।